स्टॉक पे काफी पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि देखिए ग्लोबली शुगर के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। प्लस जिस प्रकार से अभी इंडस्ट्री में इन्वेंट्री है, बहुत ही कम लेवल की इन्वेंट्री है। इस्मा ने ऑलरेडी कहा है कि FY 2022-23 यानी जो सितंबर में ईयर एंड होगा, वहां पे 3.5-4% आउटपुट कम होने वाला है। तो मेरे ख्याल से शुगर के प्राइसेस तेज रहेंगे। इसका फायदा सारे शुगर कंपनीज को मिलेगा जिनके पास शुगर एथेनॉल का कॉम्बिनेशन है। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेनिफिट करेंगे। और मेरे ख्याल से कर्नाटक का, उत्तर प्रदेश जहाँ पे शुगर कंपनीज है, वहां पे मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे नतीजे इस साल देखने को मिलेंगे। तो 23-24 नीरज, मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा। ओके तो अविनाश, ये जो शुगर के प्राइसेस आप देख रहे हैं, चूंकि सरकार काफ़ी इनको कंट्रोल करती है या सेक्टर ही पूरा बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, आपको लगता है कि प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में और ऊपर जाएंगे? देखिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट का प्रेशर आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि शुगर एक सेंसिटिव कमोडिटी है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी सबसे अच्छी बात शुगर कंपनीज के लिए कि देखिए एथेनॉल भी काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो कैपेसिटी कंट्री में है वो करीबन 550-600 करोड़ लीटर की है और जरूरत करीबन 1000 करोड़ लीटर की है। तो मेरे ख्याल से शुगर में डेफिनेटली अगर कोई प्राइसिंग कंट्रोल आता है या थोड़े बहुत कीमतें गवर्नमेंट कम करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से एथेनॉल इनके लिए काफी अच्छा पैसा बनाएगा। और एथेनॉल में तो डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो आई ऑल्सो एग्री कि थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है अगर शुगर प्राइसेस और बढ़ते हैं, बट डेफिनेटली एथेनॉल का कॉम्बिनेशन होने के कारण मेरे ख्याल से इनको इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि कोई इतनी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो लार्ज प्लेयर्स है जैसे कि बलरामपुर चीनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, इनको डेफिनेटली मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आपको आपको कोई स्टॉक पसंद है जहां पे कोई ट्रेडिंग बेट लेना चाहे? देखिए, दो स्टॉक्स हमको पसंद है नीरज। एक बड़े में त्रिवेणी इंजीनियरिंग पसंद है जो बहुत बड़ा प्लेयर है, करीबन 66,000 क्रशिंग कैपेसिटी पर डे की है। प्लस इनकी एथेनॉल कैपेसिटी करीबन 6 लाख लीटर पर डे है और ये करीबन 105 मेगावाट पावर भी जनरेट करते हैं। नंबर्स FY 23 के लिए काफी बढ़िया थे, करीबन 5,600 करोड़ पे करीबन 615 करोड़ का इबिटा और करीबन 390 करोड़ का कोर प्रॉफिट आए। आने वाले साल में हमको लग रहा है कि डेफिनेटली जिस प्रकार का इनका ज्योग्राफिकल रीच है, मुझे लग रहा है कि 22-23 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी और करीबन 350-360 का एक टारगेट प्राइस अगले 12-15 महीने पॉसिबल है। और दूसरा शेयर जो एक बहुत ही सस्ता शेयर है लेकिन काफी वैल्यू है, वो कंपनी का नाम है विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज। ये कर्नाटका बेस्ड कंपनी है और बेसिकली 11,000 टन क्रशिंग कैपेसिटी दिन की है। ये एथेनॉल भी बनाते हैं, करीबन 1 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी है और करीबन 35 मेगावाट पावर भी जनरेट करते हैं। पिछले साल 600 करोड़ पे इन्होंने करीबन 25 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था, 66 करोड़ का इबिटा किया था। लेकिन एक छोटा डिसअपॉइंटमेंट इनको यहाँ से मिला कि इन्होंने डिफर्ड टैक्स प्रोवाइड करने के कारण बॉटम लाइन पॉजिटिव में नहीं है। लेकिन हमने कंपनी से बात की है, इन्होंने कहा है कि अगले साल 750-750 करोड़ की रेवेन्यू आएगी और कम से कम 50 करोड़ का पीबीटी आने की अपेक्षा रहेगी। प्योरली ईवी बाय ईबिटा के हिसाब से काफी सस्ता लग रहा है। मेरे ख्याल से अगर हम अगले 12-15 महीने की बात करें तो करीबन 30-32 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डेफिनेटली किसी को अगर टाइम फ्रेम मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना है तो इसमें जरूर एक निवेश बन सकता है।